हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि एक बार फिर पबजी समेत 118 एप्लीकेशन में इंडिया में बैन लग चुका है, जिसमें यहाँ पर पबजी भी शामिल है और आपके फेवरेट गेम भी यहाँ पर शामिल होंगे, आपके फेवरेट एप्लीकेशन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक एक एप्लीकेशन की लिस्ट देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप 118 एप्लीकेशन की लिस्ट चेक कर सकते हैं और आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस वजह से, किस कारण इन एप्लीकेशन को इंडिया में बैन किया गया है, तो सबसे वो मेन कारण है, यहाँ पर जो कारण है वो है यहाँ पर डाटा चोरी का, क्योंकि ये हमारा डाटा चोरी करते थे यानी लीक करते थे और चाइना में बेचते थे, गलत इस्तेमाल करते थे हमारे डाटा का। तो यहाँ पर पबजी मोबाइल गेम भी लाइट शामिल है और यहाँ पर हाइड एप्लीकेशन भी शामिल है। हाइड एप्लीकेशन से क्या डाटा चोरी होता था, क्योंकि हम अपने फ़ोटो और डॉक्यूमेंट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती थी जो हमारे पर्सनल होती थी, उसे हम हाइड करके रखते थे, पर वो डाटा सारा उन एप्लीकेशन के ऑनर के पास चला जाता था और उस डाटा का गलत इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से इन एप्लीकेशन पर इंडिया में बैन लगा दिया गया है। अब किसी भी तरह से कोई भी डाटा हमारा चोरी नहीं हो सकता है, जो ही सिक्योर एप्लीकेशन होगा वही एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर रहेगा, वरना 118 एप्लीकेशन, जितने भी ये एप्लीकेशन की लिस्ट दी गई है, ये सारे एप्लीकेशन एक एक करके बारी बारी प्ले स्टोर से हटा दिए जाएंगे। तो लिस्ट आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने है, आप एक एक कर इनको पढ़ सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इंडिया में फिर से एक बार 118 एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें पबजी भी शामिल है। पबजी सबसे पहले इन प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक मैं आप लोगों